हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में ट्रेनलॉक यम टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। ट्रेनलॉक यम टैबलेट का मुख्य तो उपयोग ब्लीडिंग की समस्या रोकने के लिए किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, उस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, उस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 215 रुपए में मिल जाएंगे। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। इस टैबलेट को खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। यह डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाली टैबलेट है। बात करते इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। ट्रेनलॉक यम टैबलेट में ट्रेनेक्सिमिक एसिड आईपी 500 mg, मेफेनेमिक एसिड आईपी 250 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद ट्रेनेक्सिमिक एसिड एक एंटी फाइब्रोमिलेटिक ड्रग है। यह रक्त स्त्राव को नियंत्रित करने के लिए ब्लड क्लॉट को टूटने से रोकने का काम करता है। इसमें मौजूद मेफेनेमिक एसिड यह एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के क्लास में आता है। यह बॉडी में उन केमिकल मैसेंजर को रिलीज होने से रोकता है जो दर्द और सूजन का कारण बनते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजर्स के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इसका मुख्य तो उपयोग ब्लीडिंग, जिसे हम रक्तस्राव खून बहना कहते हैं, इसे रोकने के लिए इस टैबलेट का यूज करते हैं। इसे एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होने की समस्या में भी यूज करते हैं। इस समस्या में गर्भाशय से अनियमित खून बहता है जो सामान्य रूप से अधिक अनियमित या भारी होता है। इस समस्या को रोकने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसे नाक से खून बहने की समस्या को बंद करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस टैबलेट का उपयोग पीरियड्स के वक्त ज्यादा ब्लीडिंग होने की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। इसे हीमोफीलिया होने की समस्या में भी डॉक्टर यूज करते हैं। हीमोफीलिया एक बहुत ही कम होने वाली जेनेटिक बीमारी है। इस बीमारी में चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जम पाता है, जिससे खून बहता ही रहता है। हीमोफीलिया के कारण खून में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसे दांत निकालने के बाद होने वाले ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या रोकने के लिए भी यूज करते हैं। इसे प्रोस्टेट या ब्लैंडर सर्जरी में कुछ खास अवस्थाओं में थोड़ी देर के लिए होने वाली ब्लीडिंग की समस्या रोकने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इस टैबलेट का अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट का डोस आपकी समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या ज्यादा हो तो इस टैबलेट का डोज भी ज्यादा होगा। यदि आपकी समस्या कम हो तो इस टैबलेट का डोज भी कम होगा। इसलिए आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोस उनसे निश्चित कर ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में 2 बार, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार खाना खाने के बाद यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको उल्टी, मितली, दस्त, चक्कर आना, हाथों पैरों में दर्द होना ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज ना करें। अगर आप पहले से कोई अन्य मेडिसिन टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माई फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।